अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग? कमेंट कीजिएगा। तो अभी इस वीडियो में बात करूंगा सऊदी अरब की जरूरी अपडेट और कुछ सवालों के जवाब। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और खास करके हो सकता है मैं आपके सिटी आने वाला हूं तो आपसे मिल सकूं, तो वीडियो बने रहिए लास्ट तक। तो आज की अपडेट में सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगा इंडिया की कोरोना के केस कितना निकल रहे हैं। आपको फोटो शेयर कर रहा हूं, कल भी 19,000 से केस कम निकला था और आज भी 18,870 केस निकला है। जब से कोरोना निकला है पूरे दुनिया में और अपने इंडिया में जब से कोरोना आया तब से ये पहली बार इतना कम केस है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो केस कम है, मैंने बड़े बड़े ट्विटर हैंडल पे देखा इसको ट्रेंडिंग करते हुए कि फर्स्ट टाइम इन जब से कोविड आया तब से ये पहली बार केस कम हुआ है। तो हो सकता है, आई होप कि बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें जो जिस पर बैन लगा है वो खुल जाए। ये बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट में यहाँ पे आपको कोई शेयर नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे तरुण शुक्ला है, बहुत सारे ट्विटर हैंडल ऐसे हैं, नाम याद नहीं है, मैंने देखा तो मैं आपको बता दूँ। तो इंडिया में 19,000 केस निकल रहे हैं। अगली अपडेट आपको शेयर करना चाहूँ तो आप लोग सऊदी अरब में हैं और सऊदी अरब में बिजनेस करते हैं कफील के नाम से, तो उर्दू न्यूज़ की आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। तो सऊदी अरब में जैसा कि आपको लगभग 4-5 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि जैसा कि आप लोग सऊदी के नाम पर बिजनेस करते हैं तो सऊदी अरब ने नया कानून लाया कि आप लोग हो सके तो ये सारा धंधा अपने कफील के नाम कर दीजिए, या कफील आपको अपने नाम मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम कर दे, या बहुत सारे जो नियम कानून हैं आप फॉलो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है आप उसको ऑफिशियली फॉलो करें, ठीक है। ये अपडेट आपको बता दूँ, 16 फरवरी 2022 तक आखिरी डेट है। 16 फरवरी 2022 के बाद आप पर बड़े बड़े चालान, बोले तो मुखालफा आएगा। जो भी लोग बिजनेस करते हैं, अपने दुकान में काम करते हैं, कफील के नाम से बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैं बड़े ही शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बाकी आप अपने कफील से बात कर लीजिए क्या करना है, कैसे क्या होगा नहीं होगा। हालांकि इतना है, ये लोग सोच लिए हैं सऊदी वाले कि भाई किसी भी गैर मुल्की को यहाँ पर नहीं रहने देना है, सब हमारे लोग काम करेंगे। ऐसे में नया लोग आदमी कैसे जाएगा इस देश में काम करने के लिए, बताओ? वही झाड़ू मारने जाएगा, ड्राइवर के काम में जाएगा, कूड़ा उठाने जाएगा, मेहनत तो वो ऊपर मतलब के सामान ऐसे उठाओ और ऊपर छत पे लेके जाओ वो वाला काम करेगा, इसी का भारी भारी काम करेगा, मतलब हल्का हल्का सारा काम ये लोग अपने अपने देश के वाले लोगों को देंगे करने के लिए। मेरी बात गलत हो सकती है, लग रहा हो गलत, बट यही सच। अगली अपडेट आपको मैं शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं कोई फ़ोटो नहीं दूंगा बट फिर भी चाहें तो फ़ोटो लगा देता हूँ। बहुत ही दर्दनाक हादसा है, ये कल ही हुआ था हादसा। तो पाकिस्तानी एक ड्राइवर है, जो ट्रक ड्राइवर, उनका ट्रक का जो है ब्रेक फेल हो गया। इन्होंने क्या किया, दिमाग लगा के फटाक से मुरूर को कॉल कर दिया कि मेरे गाड़ी का, बड़ा ट्रेलर का, ट्रक का ब्रेक फेल हो गया है, एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे इसने फ़ोन किया तो ब्रेक फेल की वजह से 13 लोग घायल हुए, जिसमें मरे भी हैं 5-7 लोग और कुछ लोग घायल भी हो गए। मदीना की ये बात है, तो बहुत दुख की बात है। अगली खबर, फाइजर की वैक्सीन जो है, जितने भी विजिटर है सऊदी में, बहुत सारे जगहों पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बोले तो ऐसे पैसा तो लग ही नहीं रहा किसी के दवा का, लेकिन जो विजिट वीज़ा पर आए हैं वो कोरोना की दवा लगा सकते हैं सऊदी अरब में फाइजर की, बहुत सारे जगह पर लग रहा है, पता कीजिए। फिलहाल दम्माम में, खोबर में, जुबैल में, बहुत सारे जगहों पर लग रहा है जो विजिट वीज़ा पर आए हैं उनके लिए खास करके। अगली खबर आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे भाई सऊदी अरब में हैं उनको कोरोना हो गया और वो सोच रहे उमरा पर, उमरा वगैरह जाने का, तो आप लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग कोरोना से रिकवर हो गए हैं वो उमरा और हरम शरीफ में नमाज के परमिट ले सकते हैं, भले उन्होंने एक वैक्सीन ली हो या दो। समझ में आया आपको? आपको कोरोना हो गया था तो आप नमाज ही पढ़ सकते हैं, उमरा भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो इनको कोरोना हो गया था, फिलहाल आप ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। अगली खबर, जो भाई हमारे, जैसे मान लो कोई सैलून का काम करता है, खास करके जो लोग दुकान में काम करते हैं, आप रेस्टोरेंट है आपका या राशन का दुकान है, किसी भी तरह का दुकान है आपका, चाहे ऑफिस ही क्यों ना हो, और आपके ऑफिस का जो एसी है उस एसी का पानी नीचे सड़क पे अगर बह रहा होगा इस टाइम पे, 1000 से ज़्यादा गरामा किया गया है दम्माम, रियाद, बहुत सारे जगहों पर, तो ख्याल रखिएगा। मैं एक फ़ोटो लगा रहा, देख रहे हैं जो एसी का पानी नीचे निकलता है, बाकी जो पैदल चलने वाला रास्ता में पानी गिर जाता है, खास के बकाला के पास ही ज़्यादा देखा जाता है, तो ये गरामा है, इसको ख्याल कर लीजिए कि इस पानी को कैसे बंद करना है। हो सकता है कोई डब्बा लगा लीजिए, कोई ऐसा सिस्टम कीजिए कि पानी रोड पे ना आए, वरना आप पर भारी गरामा आने वाला है। अपडेट आए तो मैंने शेयर कर दिया। अगली अपडेट आपको मैं बताना चाहूँगा, फोटो शेयर कर रहा हूँ, ये गल्फ हिंदी की,
जैसा कि इस टाइम पे आपको पता है कि सऊदी अरब में फटाफट कोरोना की दवा सबको लगाया जा रही है, लेकिन सऊदी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अब डॉक्टर अब्दुल अली, वो बोल रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारे लोग सेकंड डोज दवा नहीं लगाए हैं, अभी भी बहुत देर कर रहे हैं, तो जल्दी से फटाफट सेकंड डोज जा कर के ले लीजिए, आपकी बेहतरी के लिए ये लोग फटाफट काम निपटाना चाहते हैं। इनका बोलने का मतलब है कि कोविड सेंटर जहाँ पर दवा लग रही है वहाँ पर बहुत सारा सेंटर खाली है, ये लोग दवा लगाने नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों ने दवा लगाया या नहीं लगाया? दवा लगा लिया तो ठीक है, नहीं लगा जाके दवा लगाइए। अगली अपडेट बात करते हैं सऊदी अरब की कोरोना की। आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, आज 29 सितंबर है और आज 55 केस निकले हैं, 46 लोग ठीक हुए, 4 लोग इंतकाल किए हैं, केस अब ना के ही बराबर है सऊदी में। तो ये थी कुछ सऊदी अरब की और अपने इंडिया की जरूरी अपडेट। अब थोड़ी सी आपसे बात करते हैं सवाल के जवाब, खास के ज़्यादा सवाल का जवाब एक ही आता है, फ्लाइट कब खुलेगी? मेरे भाई अभी कोई अपडेट नहीं है, कल ही अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया नॉर्मल फ्लाइट का, सऊदी की फ्लाइट का अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। एक ऐसा सवाल है, जावेद भाई अगर हमारी 1000 सैलरी है, कंपनी वाला 1000 सैलरी दे रहा है, तो क्या सऊदी जाना सही रहेगा? तो मेरे भाई आपका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन इस बारे में मैं कल एक वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए स्पेशली इसी चैनल पर। 1000 सैलरी में आपको क्या बचेगा, क्या फ़ायदा होगा, आगे आप क्या कर पाओगे, ठीक है, पूरी बात आपको इसमें समझाऊंगा। एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई मेरा पासपोर्ट इंडिया में ख़त्म हो गया है लेकिन मेरा इकामा वैलिड है, तो पासपोर्ट रिन्यू करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका वीज़ा लगा पुराने पासपोर्ट पे उस पुराने पासपोर्ट को संभाल के रखिए, तो नया पासपोर्ट पुराना पासपोर्ट एक साथ लेके आएंगे, आपको एंट्री मिल जाएगी एयरपोर्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेफिक्र हो जाइए। अब आपसे कुछ बात कर लूँ, तो बहुत जल्द मैं शायद आपके सिटी बोलते हो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यूपी, लखनऊ बोले तो हर जगह, एक्चुअली मैं पंजाब से बिहार जाने वाला हूँ, तो इस रास्ते में जो भी रूट पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली के बीच में भी कोई पंजाब के रूट में जहाँ पर मैं हूँ वही पठानकोट में, इस एरिया से लेकर के दिल्ली के रूट में भी कोई मुझसे मिलना चाहता है तो हम भी आपसे मिलना चाहते हैं मेरे भाई। तो इंशाल्लाह प्लान बना रहे हैं, कुछ सामान हमने ऑनलाइन मंगाया है अपनी बाइक के लिए तो वो आ जाता है, तो फिर रूट बनाते हैं और आप लोगों को शेयर करेंगे। तो आप लोगों से मुझे मिलना है, पिछली बार मैं नहीं मिला था, इस बार मुझे मिलना है आपसे और आपके साथ खाना खाना है। तो बने रहिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं अभी कमेंट कर दूंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, आप अपने लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो आपके रास्ते से गुजर जाऊंगा, बाकी मिल लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी मिल करके। तो आप चैनल पे नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन याद से दबा लीजिए, सब्सक्राइब आपने किया है, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा, तभी तो पता चलेगा वीडियो का। और फेसबुक पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए मुझे, और वहाँ पर भी बेल आइकन है, जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लीजिए, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।